किरदार था आपसे अपील है, मेरे बेकस बेबस लाता हुआ बाप ठहरा हुआ इंसाफ मांग रहा मेरे बच्चे को, इंसाफ दियो साहब, उसके टीचर के आज से कुछ करो साहब, उसको अपाहिज हो गया साहब। मैं आपकी तारीफ स्कूलों की तारीफ सुन के मेरी बच्ची को भी डाला था काले होटल के पास हूँ साहब, अच्छे से अच्छा है बोल के मैं आपसे रिक्वेस्ट है साहब, मेरे को इंसाफ दियो साहब, मेरा बच्चा मछली तड़पे सरगा तड़प रहा साहब, मेरा बच्चा माजूर हो गया साहब, फूल जैसा बच्चे को राख राख कर दिया साहब उंगलिया, मेरा बच्चे ही हंसा दो साहब स्टाफ, और बहुत सारे बच्चे उन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी हादसा नहीं हो रहा साहब। बच्चे किसी की मदद मेरी आपको अभी खाली कल जो है सो लेके आके सारा प्रिंसिपल साहब जो छोड़ दे के गए आज 4 बजे खाली सर को भी जाए खाली आके जो है सो देख लेके चले गए साहब, दवाया तो मैं लेके आके दवाया दिया साहब मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करके मेरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, मेरा नाम शेख अहमद है, मेरे बच्चे का नाम शेख मोहम्मद उमर है, मैं खिलवत में रहता हूँ, मेरा बच्चा KCR साहब के हॉस्टल में श्रोम पल्ली में पढ़ रहा, 5th क्लास वहीं पढ़ा, 6th क्लास छुट्टियों के बाद बकरीद के बाद लेके आगे छोड़ा, साहब की लापरवाही की वजह से भाई बच्चे का मेरा हाथ मेरे बच्चे का पूरा हाथ जल गया, उंगलियाँ पूरे 4 उंगलियाँ जल गए, पैर के उंगलियाँ जल गए, उसमें अपाहिज हो गया। ये हादसा कब और कैसा हुआ? ये हादसा बच्चा 4:30 के टाइम पे बच्चे को खेलने छोड़ दे, पीटी सर उन लोग खेलने के ऐसे ग्राउंड है वहाँ पर ग्राउंड में छोड़े थे, जंक्शन 3 फेस का वायर 2 फीट हाइट पे था, ये बच्चा जो है सो बॉल फेंकने गया, सीटी मारे सर तो बॉल फेंकने गया, करंट खींच के 3 फेस पकड़ लिया, बच्चा जो है सो आधे घंटे तक बेहोश था, तड़पते था, पूरे उंगलियों से धुआं जा रहा था साहब बच्चे के, बच्चा जो है सो तड़पने से पड़ा, कोई बच्चे आए ना कोई सराय पूरे चले गए दूर, बच्चा चल गए तो होश आने के बाद थोड़ी दूर आने के बाद जब मेरे को फोन मारे तो बच्चे को जरा गिर गया बच्चा मान लग गया, आप आओ बोल के बोले, तो हम जाने के बाद मेरे आगे एम्बुलेंस गई बस सर के पीछे मैं गया, पिल्लर नंबर 80 के सामने हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं होता बच्चे का बोले तो, वहाँ से डिस्चार्ज करके अवेसी हॉस्पिटल को लेके आए साहब, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बल्दिया वाले लाइट के बिल तो ऐसा लेते साहब, ऐसा लापरवाही कैसा करते। ये हादसा हो गए बाद आपको कितने कब मालूम हुआ? हादसा होने के 1 घंटे के बाद मेरे को फोन आया साहब, तो मैं जब तक बच्चा कहाँ था? बच्चा जब तक वहाँ हॉस्टल के नहीं था, फिर उसको जो है सो गाड़ी में एम्बुलेंस में डाल लेके जब हॉस्पिटल में लेके बच्चा के नहीं गए नहीं कोई नहीं सर दूर हट गए साहब मेरे बच्चे। कितनी देर बच्चा वहाँ था? लापरवाही गिर गया चक्कर खा के बच्चा उठ के जो है सो चल लेते आया, अल्लाह 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 रसूल का सत्ता है, मेरे बच्चे की जान की बला उंगलियों पे गए साहब, KCR साहब से अपील है। अभी कौन से हॉस्पिटल में? अभी अवेसी हॉस्पिटल में है ट्रीटमेंट। कौन लेके गए हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में डाल के एम्बुलेंस में हम लोग ले लेके गए, जाके वहाँ पर बच्चे को डाले पूरे हाथ के उंगलियां काट देना। स्कूल के कोई जिम्मेदार नहीं थे? स्कूल के सर खाली आए सर कुछ भी रेस्पॉन्स आए साथ थे हॉस्पिटल में आए, वहाँ जाने के बाद बच्चा ये हादसे की वजूहत आप कोई प्रिंसिपल या सर से पूछे ये क्यों हुआ जबकि पूरे बच्चे खेल रहे? बच्चा जंक्शन के लिए गया खेलने गया भाई, और भी बच्चे थे? और भी दूसरे भी बच्चे थे, कोई भी नहीं देखे उनको? बच्चे साथ थे, बच्चे छोड़ के देख के भाग गए, सर भी जो है सर मौजूद थे वहाँ पे, जब सर मौजूद थे कौन से सर कुछ नाम? PD सर थे अब लेके गए तो उनको नाम कुछ मालूम आपको? PD सर का नहीं मालूम, वहाँ नीचे सत्तार भाई बन के रहते हैं जो वॉचमैन है, और अमजद भाई असद सर और प्रिंसिपल सर ले लेके गए वहाँ पर, वहाँ जाने के बाद बच्चे ऐसा हो गया बोल के सामने मेरे को जहाँ खेल रहे थे वहाँ हमेशा बच्चे खेलते या पहली बार सर? हमेशा वहाँ खेलते रहते। अच्छा, तो सर की मौजूदगी में हादसा हुआ? मौजूदगी में लापरवाही की वजह से हादसा हुआ मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा अपाहिज हो गया, उन्हें पढ़ेंगा लिखेंगा। अब क्या कंडीशन बता रहे डॉक्टर्स? डॉक्टर उसके उंगलियां कट कर देना पड़ता मेरे हाथ के पैर के, उसको जो है सो इन्फेक्शन जो है सो और रगों में है तो उसको देख के पैर का हाथ ट्रीटमेंट करते बोल के बोल रहे साहब, बच्चे का ट्रीटमेंट 2 दिन कहाँ कहाँ चोट लगी उनको? उसके हाथ पूरे एक हाथ के सीधे हाथ के उंगलियां पूरे मोम कैसा पिघलती वैसा पिघल गए साहब, पूरे छाले आ गए हाथों पे या गुर्दों पे भी पूरा शॉर्ट सर्किट का वायर का है, और पैर के भी
लेफ्ट हैंड के पैर के उंगलियां भी पूरा पैर डैमेज है साहब। इसकी कंप्लेंट दी आप? इसकी कंप्लेंट सुबह आके ऐसा ही साहब जो सो आके हॉस्पिटल में लेके गए कंप्लेंट अवेसी हॉस्पिटल में जी। साहब केटीआर साहब केसीआर साहब से अपील है, मेरे को इंसाफ चाहिए साहब। असद साहब, अकबर साहब, अहमद पाशा, खादरी अहमद बलाला, मुमताज खान साहब। अब कितने बच्चे? मेरे को दो बच्चे, तीन बच्चियां हैं साहब। ये बच्चा बड़ा है छोटे? ये बड़ा है बच्चा। आप क्या काम करते हैं? कपड़े की दुकान है लाल बाजार में। अच्छा। बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। बच्चा अच्छा पढ़ लिख के काबिल बनेगा बच्चा, ऐसा ही ऑफिसर पायलट क्या बनता बन जा बच्चे, वो अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट बनता। कहाँ पर है स्कूल एग्जैक्टली? ये अखिल साहब के मदरसे के बाजू से गली जा रही है, बिल्डिंग बनी हुई है। रेलवे ट्रैक आता उससे पहले राइट साइड में स्कूल है साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए साहब, मेरे बच्चे के साथ हुआ, कोई दूसरे बच्चे के साथ नहीं होना। गरीब गुरबा बेबस बच्चे पढ़ते साहब वहाँ पर। ओके ओके, कंप्लेन दिए साहब। देखो साहब, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और बल्दिया वालों का भी इसमें जो है सो लापरवाही है साहब। मेरे बच्चे को हुआ हुआ, दूसरे कोई बच्चे को नहीं होना साहब। मेरे को इंसाफ चाहिए केसीआर साहब, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ। मतलब बेकस बेबस बच्चे का बाप। नंबर 9984818561 है, शेख अहमद मेरा नाम है भाई। आप मुमिन भाइयों से अल्लाह अल्लाह रसूल का वास्ता है, मेरी मदद करो साहब, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मदद करो मेरे बच्चे का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके। नंबर बोलो आपका। 9984818561 शेख अहमद नाम है साहब। मजलूम बेकस पाप तेरा है आपके, आप लोगों के सामने हाथ फैला के मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख मार मांग रहा हूँ साहब, अल्लाह अल्लाह रसूल का वास्ता।